ये हमारा CM10000 बेड का रिमोट है। सबसे पहले हम यहाँ से बेड को ऑन करेंगे, ये यहाँ पर लाइट आ जाएगी ऊपर रिमोट में। पावर का बटन ऑन करेंगे, ये मशीन हमारी ऑन हो गई। और सबसे ऊपर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये है मोड का नंबर, नंबर वन जो है मोड है, दूसरे नंबर पे टाइम दिखा रहा है आपको, उसके बाद ये हाइट सेटिंग का दिखा रहा है 170 सेंटीमीटर जो दिखा रहा है, और सबसे पहला ये जो 31 दिखा रहा है, ये है आपके बैक रोलर का, जो ये स्पाइन रोलर्स हैं अपर बॉडी के। उसके बाद 31 दूसरे वाला जो दिखा रहा है, ये लोअर लेग पार्ट के रोलर्स का दिखा रहा है। तीसरा दिखा रहा है आपको 3 बॉल का, इसका 12 बॉल का, इसका यहाँ पर दिखा रहा है। और ये आपको जो 33 दिखा रहा है, ये कार्बन हीटिंग पैनल होते हैं, ये अपर पार्ट में रोलर्स के साइड्स में रहते हैं, ब्लैक कलर की पट्टी रहती है, ये उसका है टेम्परेचर दिखा रहा है। तो आइए हम इसको बेड के रिमोट को ऑपरेट करना सीखते हैं। सबसे पहला जो बटन है ऑटो का, हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ पर 2 नंबर मोड आ गया, ये 3, 4, 5, 6, 7, इसके अंदर 7 ऑटोमेटिक मोड्स हैं। आप इस बटन की मदद से इसको सेट कर सकते हो। सबसे पहले हो गए आपके मोड का बटन, यहाँ से आप मोड सेट कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेचर का, इसके साथ आप अपनी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, हाइट सेट कर सकते हो, जैसे अभी दिखा रहा है 170, ठीक है, इसको एक बार प्रेस करेंगे हम तो ये हो गया 160, 150, 180। इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं आपके लिए, 150, 160, 170, 180, अकॉर्डिंग टू हाइट आप 180, 170, 160, 150 अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। तो मशीन के रोलर्स जो हैं उतनी हाइट के अकॉर्डिंगली ही मूव करेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका टाइम, टाइम के बटन को आप प्रेस करेंगे, ये टाइम का बटन ब्लिंक कर रहा है, ये अप डाउन ये जो एरोज हैं इसके साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको प्रेस करके रखेंगे, 5-5 के उससे बढ़ेगा, ये इससे कम कर सकते हैं, ठीक है, ये ब्लिंक कर रहा है तो ये आप इस बटन से इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका ये साइड बटन, आ गया हीटिंग एलिमेंट ऑन ऑफ, जो मैंने आपको ये बताया था ये हीटिंग एलिमेंट है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए, इसको ऑफ कर दिया, ये देखिए यहाँ से ऑफ हो गया, ठीक है, इसको दोबारा से हम ऑन कर देते हैं। उसके बाद ये पॉज का बटन है, अगर इसको दबा देंगे तो रोलर पॉज हो जाएंगे, मशीन बिल्कुल पॉज हो जाएगी, कोई भी रोलर मूव नहीं करेगा, ठीक है, तो ये हम पॉज इसका हटा देते हैं। तो ये अब देखिए रोलर दोबारा से चलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका बैक का, बैक पे हम जब दबाएंगे, ये बैक वाला बटन दबाएंगे तो देखिए सबसे ऊपर ये ब्लिंक कर रहा है, ये टेम्परेचर सेटिंग के लिए है। आप इसको इस बटन की मदद से दोबारा टेम्परेचर अपना सेट कर सकते हो ऊपर नीचे से, जैसे अभी आपने देखा था 60 सेट है तो आप इसको 60 पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया 61। उसके बाद है लेग का, लेग हमने प्रेस किया, 63 है टेम्परेचर, इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, 53 पे सेट कर दिया, ये अप डाउन से हम प्लस माइनस कर सकते हैं टेम्परेचर को। उसी तरह आ गया 12 बॉल का, हमने ये प्रेस किया तो 12 बॉल वाला बटन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, तो इसकी मदद से हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ये मैंने कम कर दिया तो बंद हो गया प्रोजेक्टर, जैसे मैं अप करूँगा ये देखिए इसको मैंने सेट कर दिया 55 पे, प्रोजेक्टर ऑन हो गया। उसी तरह से 3 बॉल का है, मैं 3 बॉल पे करूँगा, देखिए मैंने इसको कम करूँगा ये बंद हो गया, दोबारा मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये मैंने इसको 56 पे सेट कर दिया, ऑन हो गया। उसी तरह हीटिंग एलिमेंट का भी टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका मैनुअल, मैनुअल के अंदर है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप रोलर यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, मोड जो है नंबर हट गए हैं सारे, ये मैनुअल का साइन है, तो अपनी मर्जी से आप जब मैनुअल का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपनी मर्जी से इसको रोलर्स को आप अप डाउन कर सकते हैं। अभी आप रिमोट में देख सकते हैं मैंने इसको दबाया है तो रोलर अप डाउन आप कर सकते हो इससे। आप देख रहे हैं ये रोलर ऊपर मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं।
अगर अभी मैं इसको नीचे की तरफ करूँगा तो अब ये देखेंगे कि रोलर नीचे की तरफ यहाँ पे भी साइन दिखाएगा नीचे जाता हुआ। इसमें ये देख सकते हैं आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये आपके लिए मैनुअल का ऑप्शन है कि आप इससे अप डाउन रोलर्स को कर सकते हैं। ये सिंपल है रिमोट के फंक्शनिंग, इसी तरह से आप इसको चला सकते हैं।